सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बंद कर, सच सच बता। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ! तूने जानबूझकर उसके जूस में जहर मिलाया था ताकि गार्ड्स उसकी तरफ दौड़ सके और तेरे आदमी वैन लेकर भाग सके। नहीं, हम सच कह रहे हैं साहब, हमने जूस में कुछ नहीं मिलाया। बैंक डकैती से हमें क्या लेना था साहब? हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए, हम अपनी गलती पे बहुत खुश है। ऐसा पैसा छुने को भी हमें पाप लगता है। तू सच बोल रहा है या झूठ, ये तो पता चली जाएगा। हौलदार, जरा इसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो और ये जब सच बोलने का इरादा कर ले मुझे बुला लेना। क्या कहता है ये? वो बिल्कुल कबूल नहीं कर रहा सर। इंस्पेक्टर, ये सारा प्लान मुझे किसी चालाक मुजरिम का लगता है और ये पारसनाथ मुझे इतना चालाक नहीं लगता कि ये प्लान बना सके। लेकिन मार्शल, अगर इसने जगन को जहर नहीं दिया तो इतने कम वक्त में जूस में जहर किसने मिलाया? यही तो अहम सवाल है इंस्पेक्टर, कि जूस में जहर किसने मिलाया। ये भी तो हो सकता है मार्शल कि इसे अपनी बीवी और जगन के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया और गुस्से में आकर इसे उसने जहर दे दिया। नो, जगन को जहर देना महज इत्तफाक नहीं है इंस्पेक्टर। जगन को जहर देने पर ही तो पूरी रॉबरी का प्लान डिपेंड करता है। सो तो है मार्शल। लेकिन यही बात सारे प्लान को बिठा भी सकती थी। अगर जगन जूस पीने नहीं जाता तो क्या गारंटी है कि जगन जूस पिएगा ही? मार्शल, उस गार्ड यशवंत का कहना है कि जगन का रिकॉर्ड था कि वो हमेशा जूस पीने जाया करता था। उसी बहाने इस पारसनाथ की बीवी के साथ वो रोमांस भी किया करता था। मान लो वहां गंगा ना होती, या फिर मान लो जगन गंगा से मिलता मगर उसे जूस पीने की ख्वाहिश नहीं होती। सब कुछ उसकी इच्छा पर तो डिपेंड करता है ना। इस तरह से ये प्लान फुल प्रूफ प्लान तो ना हुआ ना? वाकई मार्शल, ये प्लान तो बिल्कुल फेल हो जाता। सोचने वाली बात है। और एक बात भी सोचने की है इंस्पेक्टर, कि लूट का माल आखिर गया कहां? मतलब ये कि वैन लेकर भागने वाला जब मुझसे उलझा तो उसके हाथ में ना कोई बैग था ना कोई पेटी, मगर वैन खाली हो चुकी थी। तो आखिर वैन से रुपया कब निकाला गया और कैसे निकाला गया? साहब, पारसनाथ की कैंटीन की तलाशी में 50,000 के नोट मिले। ये नोट तो उन्हीं 65,00,000 में से एक है जिन्हें वैन में रखा गया था। ये बिल्कुल नए हैं और इनका सीरीज नंबर भी हमारे पास है। लेकिन ज्योति जी, ये तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं। मार्शल साहब, ये नोट आपके पास कहां से आए? पारसनाथ की कैंटीन से। पारसनाथ? पारसनाथ? ये वही तो नहीं है जिसने जगन को जहर दिया था? कमाल की बात है, शक्ल से इतना सीधा साधा और शरीफ आदमी कोई सोच ही नहीं सकता है कि वो। दरअसल शक्ल से सीधे साधे लगने वाले ही खतरनाक काम कर जाते हैं, क्यों मार्शल साहब? ठीक फरमाया आपने मिस ज्योति।
मगर पारसनाथ के खिलाफ हमें जो सबूत मिले हैं वो उसे मुजरिम साबित करने के लिए अभी तक काफी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि 65 लाख की डकैती के बाद सिर्फ 50,000 के नोट ही पारसनाथ की कैंटीन में कैसे पहुंचे, बाकी के नोट कहां गए? यही तो मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि वो नोट उसने कहीं और छुपाए हो। लेकिन कब और कैसे? क्योंकि जब मैं वैन के पास पहुंचा तो वैन खाली थी और भागने वाले के हाथ में भी कुछ नहीं था। लेकिन आपको यकीन है मास्टर साहब कि भागने वाले के हाथ में कुछ नहीं था? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो मेरे हाथ में आते आते बचकर निकल गया था। बाय द वे, मुझे उस आदमी के पास से ये लॉकेट मिला है। कोई पहचानता है इसे? मेरा ख्याल है मैंने पहले कभी देखा है। मुझे भी ये लॉकेट जाना पहचाना लग रहा है। किसी के गले में जरूर देखा है, लेकिन कहां याद नहीं आ रहा। मिस ज्योति, याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम कड़ी है। अब मैं याद करने की कोशिश करूंगी तो परेशान हो जाऊंगी। कई बार ऐसा ही होता है, आप किसी चीज पे ज्यादा जोर डालो तो बिल्कुल भूल जाते हैं और किसी दिन अचानक ही याद आ जाएगा। कोई बात नहीं ज्योति जी, अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, ऐसा अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो फौरन मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। क्या बात है? मैं जानता हूं किसका लॉकेट है। किसका लॉकेट है ये लॉकेट? संजीव बाबू हमेशा अपने गले में पहना करते थे। कौन संजीव बाबू? हमारे बैंक में कैशियर थे, उन्होंने कुछ घोटाला कर दिया इसलिए उनको बैंक से निकाला। कैसा घोटाला? बैंक की थोड़ी सी पगार में अय्याशियां थोड़ी पूरी होती है, इसलिए कर दिया घोटाला। तुम जानते हो कहां रहता है वो? उनका एक ठिकाना थोड़ा है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये क्या, सिर्फ 1 लाख रुपया? इतनी बड़ी बैंक डकैती के बाद सिर्फ 1 लाख रुपया? इतना पैसा नहीं चलेगा, बहुत कम है, और चाहिए। और अगर नहीं मिला तो सारी पोल खोल दूंगा। यहाँ पर संजीव नाम का कोई आदमी रहता है, बैंक में काम करता था, है जानते हो कहाँ रहता है? इधर रहता है, इधर इधर सामने ना, इधर। ओके, थैंक यू। उधर रहता है, उधर रहता है। ओके, एक मिनट, इधर इधर रहता है। और कोई जगह बाकी है? नहीं नहीं नहीं, इधर। तुमको मालूम है तुमको कहाँ जाना है? उधर उधर जाना है। जा मेरे बाप, जा। थैंक यू। मैं खुद ढूंढ लूंगा। क्या इलाका है भाई?
इंस्पेक्टर पाटिल। हाँ मार्शल साहब, ये हमारी तस्वीर है, लेकिन हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर ये तस्वीर उसके घर कैसे पहुंची? ये तस्वीर हमने उसे दी थी। तुमने? हाँ, जब वो यही बैंक में काम करता था तो वो हमारी दुकान में बैठा करता था। उसने हमसे कहा कि वो हमें फिल्मों में चांस दे सकता है, लेकिन उसके लिए तस्वीर चाहिए। फिर वो एक दिन मुझे अपने घर ले गया। उसने हमसे कहा कि उसके पास एक कैमरा है जिसे वो हमारी तस्वीर खींचेगा। यही तो है वो तस्वीर। बस उस दिन के बाद हम उसके घर पर कभी नहीं गए। सच बोल रही हो तुम? भगवान कसम, उसी दिन हमें पता चल गया था कि उसकी नियत में खोट है। उसके बाद हमने उसे कभी बात नहीं की। अगर हमारे पति को पता चल जाता तो मुझे जान से मार देता। हाँ। तुम्हें मार देता या फिर उसे मार देता, जैसे उसने जगन को मारा? नहीं साहब, हमारा पति ऐसा नहीं है। वो चीटी को भी नहीं मार सकता। ये उसके खिलाफ कोई साजिश है, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, हम सच कह रहे हैं। ठीक है गंगा, फिलहाल तो मैं ये मान लेता हूं कि तुम्हारा संजीवा से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बाद में तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। जी, लेट्स गो पटेल। मास्टर साहब, आपने इतनी आसानी से गंगा को छोड़ दिया, जबकि आपको डाउट है कि संजीवा का खून किसी लड़की ने किया, ऐसा क्यों? पाटिल, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि वो लड़की गंगा ही थी। लेकिन यह भी तो हो सकता है लड़की गंगा ही हो। बेशक हो सकता है। अगर यह सच है कि गंगा ने खून किया है तो वो अपने पर से शक हटाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। पाटिल, मुजरिम की घबराहट उसके खिलाफ सबूत हासिल करने में बहुत फायदेमंद होती है। ओ, इसका मतलब आप गंगा पर निगरानी रखवा रहे हैं? बेशक। अरे हाँ पाटिल, उन जेब कतरे बच्चों को जो हमने छोड़ा था, वो पर्स लेकर वापस आए? जी अब तक तो नहीं आए। वो बदमाश कहीं के। मुझे उनसे मिलना है। चलो पाटिल। जिसका आपने पर्स मारा था ना साहब, ये आदमी उसी के साथ था साहब। और वो पर्स मिला? पर्स? हाँ साहब। अगर वो पर्स तुम्हारे पास था तो वापस करने क्यों नहीं आए? वो साहब अपुन डर गया था साहब, क्योंकि पुलिस के चक्कर में अगर एक बार फंस गए थे साहब तो बार बार आना पड़ता ना साहब। नहीं बेटे, पुलिस बेकसूर और निर्दोष लोगों को कभी तंग नहीं करती, सिर्फ जुर्म करने वालों को पकड़ती। इसका मतलब साहब तुम हम लोग को छोड़ देगा? हाँ छोड़ तो देगा, मगर एक वादा करना होगा तुम्हें। कैसा वादा साहब? वादा ये कि तुम लोग आज के बाद पॉकेट नहीं मारोगे। नहीं मारेंगे साहब। नहीं मारेंगे साहब। सच? हाय शपथ साहब, माँ कसम। देखिए साहब, माँ कसम साहब, नहीं मारेंगे, सच्ची। देखो मेरे सामने शान पट्टी दिखाने की कोशिश मत करना, मार्शल की पूरी निगाह रहेगी। हाँ साहब। समझे? ये सब काम छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अच्छा साहब। ठीक है, ओके पाटिल, लेट्स गो। थैंक यू। Thank you.
ये हुआ जगन और वो संजीवा। एक बात तो साफ जाहिर होगा कि दोनों आदमी बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व थे। मार्शल, ये तो वही आदमी है जो बैंक रॉबरी के ही दिन कैंटीन के बाहर जहर पीने के कारण मर गया था। और हाँ, ये तो बैंक में ही नौकरी करता है और इसका चाचा भी वही नौकरी करता है। क्या नाम है उसका? हरभजन सिंह ऐसा कुछ। पुलिस स्टेशन में बुलाओ उसे। आपने हमें बुलाया सर? जगन तुम्हारा सगा भतीजा था हरभजन? सगा ही नहीं साहब, सगे से बढ़कर था। उसका मेरे सिवा और मेरा उसके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था साहब। कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो उसे बैंक में नौकरी दिलाने में तुमने सिफारिश की थी? सिफारिश ही नहीं साहब, मिन्नतें की थी लोगों की, मिन्नतें। क्या करता था वो बैंक से पहले? कुछ नहीं साहब, एक साल पहले वो कहीं नौकरी करता था, वहां झगड़ा हुआ, नौकरी छूट गई, फिर हमने उसे बैंक में लगवा दिया साहब। ये पर्स उसी का है ना? अरे हाँ साहब, ये तो उसी का है, लेकिन आपको कहां से मिला? ये तो एक दिन पहले किसी ने मार लिया था। ये पर्स एक जेब कतरे ने तुम्हारे भतीजे के जेब से उस वक्त निकाला था जब वो डकैती की प्लानिंग कर रहा था। नहीं साहब नहीं। हाँ हरभजन, तुम्हारा भतीजा जगन और संजीवा दोनों ही डकैती में शामिल थे। जी आप क्या कह रहे हैं साहब, बैंक का माल लूटने के लिए जगन ने खुदकुशी कर ली, जहर खा लिया। साहब, दौलत के लिए जाने ली जाती हैं, अपनी जान कोई नहीं देता। जहर किसी और ने दिया होगा? किसी और ने नहीं साहब, उसी ने दिया है, गंगा के पति ने। जगन ने मरते वक्त मुझे खुद बताया था। हो सकता है? हो सकता है नहीं साहब, हुआ है और मेरी आंखों के सामने हुआ है। अगर वो अचानक ऐसे नहीं मरता तो बैंक में डकैती कैसे पड़ती? साहब, जगन हराम का माल खाने वाला आदमी नहीं था, वो तो तनख्वाह में ही खुश रहने वाला आदमी था। एक 3,000 रुपए तनख्वाह पाने वाला शख्स अपने होने वाली बीवी के लिए 30,000 रुपए का हार नहीं खरीद सकता हरभजन सिंह। हार? कौन सा हार साहब? जो तुम्हारे भतीजे ने खरीदा है। ये रसीद भी उसी के पर्स से मिली है हरभजन, जो एक महीने पहले कमल ज्वेलर्स के यहां से खरीदे हार की है और जिसकी कीमत है 30,000 रुपए। रसीद? नहीं साहब, ये रसीद उसकी नहीं हो सकती, किसी और की होगी। और फिर उसके पास 30,000 रुपए कहां से आएंगे? डकैती तो कल हुई है, पर एक महीना पहले की रसीद? नहीं साहब, ये रसीद उसकी नहीं हो सकती। उसकी तस्दीक भी हो जाएगी कमल ज्वेलर्स के यहां से। जी साहब, यही वो साहब थे जिन्होंने वो 30,000 रुपए में हार खरीदा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उनके साथ एक मैडम भी थी जिन्होंने पूरे 2 घंटे लगा दिए थे वो हार पसंद करने में। यानी कि मियां बीवी साथ में आए थे? ना ना ना, वो उनकी वाइफ नहीं थी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी वाइफ नहीं थी? जी, उनकी आपस की बातचीत से साफ जाहिर होता था कि वो हार उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है। जो उनके साथ में थी वो उनकी दोस्त थी, सिर्फ पसंद करने के लिए आई थी। और थोड़े दिन पहले वो उनके पास वो एयरिंग की जोड़ी थी जिसमें से एक एयरिंग गुम हो गया था और वो यहाँ बनवाने के लिए दे गई थी। अभी थोड़ी देर पहले यही थी, अपना एयरिंग लेने के लिए आई थी, मगर मैंने उनसे कहा 10-15 मिनट के बाद आइए और एयरिंग ले जाइएगा, बस अभी आती होगी। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो 10-15 मिनट के बाद आएंगी? जी हाँ, जरूर आएंगी।
ठीक है मिस्टर पुजारी, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, जब वो आ जाए तो आप हमें इशारा कर दीजिएगा। क्यों साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, अभी तक तो गड़बड़ नहीं। अच्छी बात है। कम बटन। पटेल, मैं समझता हूं कि 10 मिनट के अंदर बैंक रॉबरी का राज खुलने वाला है। हमें 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कि 10 मिनट में कौन आता है।